हेलो स्टूडेंट्स सभी का स्वागत है हमारा चैनल एडीज जी के मंत्र पर तो आज हम लोग का क्या सेशन होगा हम लोग का सेशन होगा हिस्ट्री के ऊपर एंड ऑल द कम्पिटेटिव एग्जाम जो इंपॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम्स के लिए ठीक है अगर चैनल में नहीं है तो थोड़ा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना क्योंकि नोटिफिकेशन को वीडियो आने से ही पहुँच जाएगा आपके पास ठीक है तो ये सिलेक्टेड थर्टी क्वेश्चन यहाँ पर थर्टी सिलेक्टेड थर्टी प्लस सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए यहाँ पर तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन ये अभी के सब के सब कम्पेटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है चलिए तो स्टार्ट करके देखते क्या क्या क्वेश्चन लिए गए ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन है द विच डायनेस्टी हैज़ डेवलप्ड द गांधर स्कूल ऑफ आर्ट इन द एनशियन एनशियन इंडिया में गांधर स्कूल ऑफ आर्ट कौन से डायनेस्टी कौन से वंश ने बनाया गया इस ये कुशान डायनेस्टी और कुशाण वंश ने बनाया इसको ठीक है गांधर स्कूल ऑफ आर्ट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच साइट इज एसोसिएटेड टू द बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध कौन से कौन से जगह से बिलोंग करता है कौन से जगह पर उसका बर्थ हुआ है ये लुम्बिनी में है वो लुम्बिनी कहाँ पर है ये नेपाल में थे ठीक है ये नेपाल का जगह है लुम्बिनी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस लिंगराज टेम्पल द फेमस लिंगराज टेम्पल कहाँ पर है ये ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है ठीक है भुवनेश्वर उड़ीसा में है ठीक है फेमस लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर उड़ीसा से बिलोंग करता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है लास्ट रिकॉग्नाइज किंग ऑफ द गुप्ता लाइन लास्ट रिकोग्नाइज किंग कौन है गुप्ता डायनेस्टी का विष्णु गुप्ता ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द फर्स्ट रूलर ऑफ द मगधा फ्रॉम द हरियंका डायनेस्टी हरियंका डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर कौन है फ्रॉम मगधा रूलर ऑफ मगधा फ्रॉम द हरियंका डाइन दैट वॉज बिम्बी सार ठीक है बिम्बी सार थे ठीक है नेक्स्ट क्या बोला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इवन बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द ऑफ़ किसके टाइम इवन बतूता इंडिया में आए थे ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम आए थे ठीक है इवन बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम आए थे एंड ये इवन बतूता कौन से जगह से ये मोरक्कन है ठीक है ये मोरक्को ये मोरक्को से आया है ये कब आया था ये थर्टीन थर्टी थ्री में आया था ठीक है थर्टीन थर्टी थ्री से थर्टीन थर्टी सेवन तक थे ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हु डिफीटेड हु डिफीटेड होम इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन सेकेंड बैटल ऑफ तराइन कब हुए थे ये नाइन इलेवन नाइनटी टू में हुए थे मोहम्मद घोरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान और जो फर्स्ट बैटल हुए थे वहां पर क्या पृथ्वीराज चौहान के डिफीट किए थे मोहम्मद घोरी को एंड लास्ट में जो सेकेंड बैटल हुए थे उसमें मोहम्मद घोरी डिफीट कर दिया पृथ्वीराज चौहान को ठीक है इम्पॉआर नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला द डॉक्टर आइन ऑफ लैप्स डॉक्टर आइन ऑफ लैप्स वॉज गिवेन बाई डॉक्टर कॉन ये लॉर्ड डालहोसी ने दिए ठीक है डॉक्टर आइन ऑफ लैप्स नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज बीटन बाई द ब्रिटिशर्स इन द सेवनटीन नाइनटी नाइन ऑफ सी रंगपतनम सी अगर बोले तो ऑफकोर्स टीपू सुल्तान हो जाएगा वो ठीक है बीटन बाय द ब्रिटिशर्स इन सेवनटीन नाइनटी नाइन वेर वॉर ऑफ श्री रंगपत्नम टीपो सुल्तान किससे ब्रिटिश कौन थे वो ब्रिटिशर्स वो लॉर्ड वेलेस्ली थे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ओमन गवर्नर ऑफ इन स्टेट कौन थे द फर्स्ट गवर्नर ऑफ अ इंडियन स्टेट कौन थे सौरोजनी नायडू सौ नायडू कहाँ से थे ये यूपी से थे ठीक है यूपी से फर्स्ट गवर्नर थे वो थे सौरोजिनी नायडू जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला द हु इज नोन एज द फादर ऑफ मुस्लिम रेनेसेंस इन बंगाल फादर ऑफ मुस्लिम रेनेसेंस कौन थे बंगाल के नवाब अब्दुल लतीफ खान ठीक है नवाब अब्दुल लतीफ खान नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हु ऑज द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया द सती प्रथा बिकम द लीगल एंड इलीगल एंड पनिशेबल कौन थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ये 1828 से ठीक है 28 को वो थे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला द नेम ऑफ द कमांडर ऑफ द आरब आर्मी हु कंक्योर द सिंध कनक्योर द सिंध कौन थे ये ये मोहम्मद बिन क्वासीम थे एंड कब करे थे ये सिंध को कौन किया सेवन हंड्रेड एंड ट्वेल्व सेवन हंड्रेड एंड ट्वेल्व ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हु कॉइन द नेम पाकिस्तान पाकिस्तान का नेम फर्स्ट कौन कॉइन किए थे ये बोले थे ये रहमत चौधरी रहमत आली फर्स्ट कॉइन द नेम पाकिस्तान नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले द फर्स्ट वोमेन टू प्रेज ओवर द यू जनरल असेंबली फर्स्ट वोमेन कौन थे ये बहुत बार आता है क्वेश्चन में कौन थे विजय लक्ष्मी पंडित ठीक है विजय लक्ष्मी पंडित प्रिसाइड ओवर दू एन जनरल असेंबलील प्रिंसिपल पंडित जवाहरलाल नेहरू पंचशील ठीक है पंचशील प्रिंसिपल ये पंडित जवाहरलाल नेहरू नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हु डिस्कवर द route टू इंडिया via द Cape ऑफ द केप ऑफ गॉड Hope? केप ऑफ गॉड Hope कब कौन किए थे ये वास्को डागामा किए थे कब किए थे इन 1498 नाइनटी एट को ठीक है तो हुआ बाया दफ गॉड होप द वास्को डागामा इन फोर्टीन in एट कहाँ पर उतरे थे ये ये कालीकट में उतरे थे ठीक है कालीकट में उतरे थे वहाँ पर कौन थे वहाँ पर जो किंग थे जो हिंदू रूलर थे उसका नाम क्या था जमोरिन था ठीक है जमोरिन यह भी आता है एग्जाम में नेक्स्ट कौन है द गेट वे ऑफ इंडिया वॉज दिस द गेटवे ऑफ इंडिया वॉज बिल्ट बाई जॉर्ज विटिट गेट वे ऑफ इंडिया कौन कौन बनाए जॉर्ज विटिट ने बनाए ठीक है ब्रिटिश आर्किटेक्चर थे नेक्स्ट विच ब्रिटिश वाइसर ऑफ इंडिया वॉज एसोसिएटेड विद द इलबर्ट बिल एन इन एटीन एटी फोर एल्बर्ट बिट कब इनएक्ट हुआ ये 1884 को इनएक्ट हुआ है कौन किया था ये लॉर्ड रिपन ने ठीक है लॉर्ड रिपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच लीडर ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट वाज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहा जाता है ये दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है ठीक है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हु द फर्स्ट ट्रांसलेटेड

कौन थे सिराज उद्दौल नवाब सिराज उद्दौला कब थे बोलो बेकम द नवाब ऑफ आफ्टर अलीवर्दी खान सिराज उद्दौला सेवनटीन फिफ्टी सिक्स को इसका थ्रोन मिला था एंड सेवनटीन फिफ्टी सेवन में क्या हुआ ये पलाशी का युद्ध हुआ था उसके बाद वो हार गए एंड फिर फिर सो हार गए ब्रिटिश नेक्स्ट क्या है दर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉर बिटवीन होम थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके किसके साथ हुआ था ये मराठा एम्पायर एंड दुरानी एम्पायर के बीच में हुआ थे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चनिंग

नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स वट वॉज द नेम ऑफ द स्वामी विवेकानंद गुरु स्वामी विवेकानंद गुरु को का नाम क्या है रामकृष्ण परमहंस देव ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है द भगवत भगत सिंह सुखदेव एंड राजगुरु भगत सिंह सुखदेव एंड राजगुरु वॉज एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटिव द जेल एंड कब भगत भगत सिंह राजगुरु एन सुखदेव ठीक है एग्जीक्यूटेड इसको फांसी कब दिया गया था ट्वेंटी थर्ड ऑफ मार्च 1931 थर्टी वन को ठीक है नेक्स्ट द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे गोपाल कृष्ण गोखिल गोपाल कृष्ण गोखिल कौन थे महात्मा गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इन विच ईयर द चौरी चौरा इंसिडेंट हैपन चौरी चौरा इंसिडेंट कौन सी में हुआ था ये 1922 को हुए थे ठीक है चौरी चौरा कहाँ पर ये गोरखपुर में हुए थे 22 टू पुलिस मैन को वहाँ पर बर्न किया गया था इसके वजह से इसके वजह से उसको चौरी चौरा इंसिडेंट का नाम दिया गया है तो हुए थे कब ये फिफ्थ ऑफ फिफ्थ ऑफ फेबर नाइनटीन को हुए थे एंड एंड गांधी जी ने क्या किया था गांधी जी ने ट्वेल्थ ऑफ़ फेबर नाइनटीन को 1922 को वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को उठा लिया गया था ठीक है गांधी जी के द्वारा नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है इन विच द सत्य साधक समाज कब ये 1873 में ठीक है 1873 को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है तो चलिए थर्टी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हुआ ठीक है अगर अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ठीक है कमेंट ज़रूर करना कमेंट ज़रूर करना ठीक है तो चलिए आज के लिए इतना ही टाटा बाय बाय